नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। आज है 23 फरवरी 2020 और आज जब हम पढ़ेंगे, आज हमने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। ध्यान रखेंगे, आज हमने जिसमें रेगुलर जिस पैटर्न में पढ़ते थे उस पर नहीं पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, साथ में मैंने इसमें जीएस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पैटर्न क्या है। देखिए, भले जो मैंने दिया है छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है, सिर्फ एक ही टॉपिक लिया गया है इसमें, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, इसके अंडर कौन सा क्वेश्चन है, जंग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। इसका फैक्ट देखते हैं, इसका विस्तार कहाँ पे है, ये कोरिया और सरगुजा में है। ऊंची चोटी इसकी सबसे कौन सी है, देवगढ़ की चोटी है जो 1033 मीटर की है। इसका विशेष क्या है, ये हंसदेव नदी का उद्गम स्थल है देवगढ़ की जो पहाड़ी है। इसे जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाता है। सिर्फ हम डेली ऐसा एक एक टॉपिक लेंगे, एक एक टॉपिक लेने से क्या होगा कि आपको फैक्ट्स जो है याद रहेंगे। आप पढ़ते तो सारी चीज़ें हैं, पर आपको क्या होती है, चीज़ें याद नहीं होती हैं। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस याद रहने चाहिए। इसलिए मैं डेली एक जो है छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण तथ्य का क्वेश्चन लूँगा। साथ ही साथ हम डेली जो है सिर्फ पाँच ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेते हैं। इसके पीछे भी रीजन, सर कुछ लोग बोलते हैं कमेंट करके, सर आप सिर्फ पाँच ही क्वेश्चंस क्यों कराते हैं करंट अफेयर्स के। तो भाई, जो पाँच ही क्वेश्चंस हैं रिलेवेंट है, डेली इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। और आप बाकी चैनल्स में देखोगे आपको एक दिन के 10-15 ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं, पर क्या वो आपके एग्जाम रिलेवेंट है, ये ज़्यादा मैटर करता है। आप देखेंगे उनमें जो है एसएससी बैंकिंग सारी चीज़ों को कवर करते हुए बताया जाता है, छोटी छोटी डिटेलिंग भी रहती है, पर वो आपके छत्तीसगढ़ के एग्जाम से रिलेटेड नहीं होता है। इस छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप उनका पीडीएफ निकालेंगे तो भी आप 15 क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा कितने आपके एग्जाम रिलेवेंट हैं और नहीं है। देखिए, देखिए अभी हुआ था एक ऑस्कर अवार्ड्स, उसमें मैंने सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चंस कराए थे, बेस्ट एक्टर फिनिक्स, बेस्ट एक्ट्रेस रीना जेलवेगर, और बेस्ट मूवी मिला है पैरासाइट को ऑस्कर में। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं तो यहीं से ही आएंगे। और आप लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर ऑस्कर का देख रहे हैं, 10-10, 20-20 मिनट की लंबी लंबी वीडियोज़ देख रहे हैं, सपोर्टिंग एक्टर सपोर्टिंग एक्ट्रेस उसकी पूरी हिस्ट्री देख रहे हैं ऑस्कर की, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। या फिर इवन बोले कि आपके छत्तीसगढ़ के एग्जाम में कभी वैसा पूछता ही नहीं, सिर्फ ऊपर के जो बड़े बड़े करंट अफेयर्स है सिर्फ वही पूछता है। इसलिए मैं जो है कम क्वेश्चंस लेके आता हूँ, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ करंट अफेयर्स की। और जो बात आई छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की, तो हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो है अब वीकली कवर करेंगे। इसके पीछे भी रीज़न है कि छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स है इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि डेली जो है 10-10, 12-12 क्वेश्चंस या 5-5 क्वेश्चन भी है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के नहीं मिलते हैं। मिल तो जाते हैं पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करना। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए थे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के भी, एक काफ़ी बड़ा चैनल है यूट्यूब का जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को कराते हैं, उनका मैंने आज एक वीडियो देखा। उनको एक क्वेश्चन था इसमें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज किस पूर्व क्रिकेटर से मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखिए कि आपको लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट है। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज किस पूर्व क्रिकेटर से मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा ये डेली न्यूज़ जैसा क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर्स जैसा कुछ नहीं है। अगर योजनाओं के बारे में दिया होता, कहाँ से आए हैं वो दिया होता, तो आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल की है अच्छा क्वेश्चन, बट ये जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं आएगा एग्जाम, ये सिर्फ एक करंट अफेयर में नहीं आएगा, करंट न्यूज़ का पार्ट है। तो आपको करंट न्यूज़ नहीं पढ़ना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो थोड़ा आपको क्वेश्चन देखते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ उसमें से मेंशन करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के, और वीकली पढ़ा करेंगे, जिससे हमको क्या बार बार सेम क्वेश्चंस रिपीट करना ना पड़े। और आपने देखा होगा कि पीएससी में जो मैंने पढ़ाया था करंट अफेयर्स, उसमें से क्वेश्चंस आने के आए भी ज़्यादा हैं। उसका मेन कारण था कि मैंने करंट अफेयर डेली बोल के आपको क्या पूरे साल भर के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, ना कि डेली न्यूज़ के क्वेश्चंस। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, हम देखते हैं आज के जो करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर्स में हमने पहला क्वेश्चन लिया है, 7वां महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में हो रहा है। तो ये किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और आप सभी को मालूम होगा पहला मैच जो था इसका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ था, जिसे इंडिया ने जीत लिया। और आज 24 तारीख को इसमें इंडिया का दूसरा मैच है जो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया है। तो ये किया गया है संजय कोठारी जी को। नेक्स्ट है, भारत का पहला
सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो है नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस हवाई अड्डे पर प्लास्टिक के स्थान पर कई इको फ्रेंडली विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के देश में स्थित सरदार मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया आ रहे हैं, इनके लिए जो नमस्ते ट्रंप, जैसे कि अमेरिका जब हमारे मोदी जी गए थे तो अमेरिका में एक हुआ था आयोजन, क्या हाउस डी मोदी, उसी तरह का यहाँ जब वो आ रहे हैं तो एक प्रोग्राम हो रहा है नमस्ते ट्रंप। तो ये तो होगा कौन से स्टेडियम में होगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सरदार मोटेरा स्टेडियम ये कहाँ है? तो ये जो है अहमदाबाद में है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं, कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, रॉस टेलर। रॉस टेलर किस देश की खिलाड़ी है ये आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब जब हम देखेंगे ये दो देखेंगे जीएस के क्वेश्चंस, इसके अंदर मैं जो अभी कर रहा हूँ वही हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। देखिए एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखिए इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, आपको मालूम भी होगा। भीमबेटका गुफा जो है ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस काल में पत्थरों के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुरापाषाण काल। तो याद रखेंगे पत्थरों के औजार जो है पुरापाषाण काल में पाए गए थे, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए प से यहाँ पे पत्थर है, प से जो है पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको मालूम होंगे चौड़ी और सीधी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी, यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? हमने अभी पढ़ा है ये, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, यहाँ नगर और कस्बे में एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे, साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आज हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं इनका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट आप सभी को मालूम है, रिवीजन करेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे, वरना आप कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे। देखिए, सातवां महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। केंद्र सरकार ने नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे चुना है? तो संजय कोठारी जी को। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुजरात में स्थित अहमदाबाद के सरदार मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रॉस टेलर। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? पुरापाषाण काल। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस काल में पत्थरों के औजार सबसे पहले पाए गए? इसका करेक्ट आंसर है पुरापाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन, ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये मैंने अपने वीडियोस में पढ़ाया है, अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो इसका आंसर आपको जरूर मालूम होगा। क्वेश्चन क्या है, प्रदेश सरकार ने किस पेंशन योजना को बंद करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है मीसा बंदी पेंशन योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ये मेरे पढ़ाने का जो नया कॉन्सेप्ट है सीजी का जीएस प्लस करंट अफेयर वाला, अगर वीडियो कैसा लग रहा है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। इसमें अगर आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कुछ और चेंजेस चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली मॉर्निंग में उठकर सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ध्यान रखिएगा, हमने अभी एक पैटर्न चेंज किया, इसके तहत हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चंस करते हैं टॉपिक स्टार्टिंग में, फिर हम कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, फिर हम देखते हैं जीएस के क्वेश्चंस।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को स्पेशली। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।